देवताओं की 5 शक्तिशाली दिव्य वस्तुएं जिन्हें खुद देवताओं ने धरती लोक पर छुपा दिया। आखिर कौन सी थी ये 5 शक्तिशाली दिव्य वस्तुएं? आप देख रहे हैं अपना नॉलेज टीवी। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। प्राचीन काल में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं मौजूद थी जिनके बल पर देवता, उनके अंश, अवतार या मनुष्य असीम शक्ति और चमत्कारों से परिपूर्ण हो जाते थे। उन वस्तुओं के बगैर व्यक्ति खुद को असहाय मानता था। कहते हैं ऐसी वस्तुएं आज भी किसी स्थान विशेष पर सुरक्षित छुपाई गई है। तो आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे उन 5 चमत्कारी शक्तिशाली दिव्य वस्तुओं के बारे में जिन्हें खुद देवताओं ने धरती लोक पर छुपा दिया था। हो सकता है कि आपके ढूंढने या तपस्या करने पर आपको ये वस्तुएं प्राप्त हो जाए। 5वें नंबर पर है अक्षय पात्र। अक्सर ये चमत्कारी अक्षय पात्र प्राचीन ऋषि मुनियों के पास हुआ करता था। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय या नाश ना हो। दरअसल एक ऐसा पात्र जिसमें कभी भी अन्न और जल समाप्त नहीं होता। वहीं महाभारत में अक्षय पात्र संबंधित एक कथा भी मौजूद है। जब 5 पांडव द्रौपदी के साथ 12 वर्षों के लिए जंगल में रहने चले गए थे तब उनकी मुलाकात कई तरह के साधु संतों से हुई थी और वहाँ पर भ्रमणशील साधु संतों की भीड़ उनसे मिलने के लिए और कुटिया में प्रवास करने के लिए आते थे। एक दिन उनकी कुटिया में स्वयं ऋषि दुर्वासा पहुँचे, वो भी अपने कई सारे शिष्यों के साथ। 5 पांडवों सहित द्रौपदी के मन में एक प्रश्न था कि मैं इन सैकड़ों हजारों साधुओं को आखिर भोजन कैसे कराऊं। कहते हैं तब पुरोहित धौम्य ने उन्हें सूर्य के 108 नामों के साथ आराधना करने के लिए कहा। तब युधिष्ठिर ने इन नामों का बड़ी आस्था के साथ जाप किया और अंत में भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर के पास प्रकट होकर उनसे पूछा कि इस पूजा अर्चना का कारण क्या है। तब युधिष्ठिर ने बताया कि उनकी कुटिया में स्वयं ऋषि दुर्वासा अपने कई सारे साधु शिष्यों के साथ पहुंचे हुए हैं और हम उन्हें भोजन कराने में असमर्थ हैं। कहते हैं तब सूर्य देव ने एक तांबे का पात्र देकर युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, तुम्हारी कामना पूर्ण हो, मैं 12 वर्ष तक तुम्हें अन्न दान करूंगा। यह तांबे का बर्तन मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारे पास फल, फूल, सब्जी आदि 4 प्रकार की भोजन सामग्रियाँ तब तक रहेगी जब तक कि द्रौपदी उन्हें परोसती रहेगी। तांबे का वह अक्षय पात्र लेकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और अंत में उन्होंने ऋषि दुर्वासा साथ ही साथ उनके सभी शिष्यों को भोजन कराया। वहीं सुना गया है कि कई सारे अक्षय पात्र आज भी हिमालय के साधुओं के पास मौजूद हैं। ये पात्र सूर्य की साधना से ही प्राप्त होता है, लेकिन महाभारत के दौरान इस्तेमाल किया गया द्रौपदी का वो अक्षय पात्र आज भी हिमालय की किसी पहाड़ी में दफन है। 4th नंबर पर है कर्ण के कवच और कुंडल। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं और इस विषय पर हम बहुत सारे वीडियो पहले भी बना चुके हैं, कर्ण के कवच और कुंडल जन्म से ही उन्हें प्राप्त थे। दरअसल वह स्वयं सूर्य के ही अंश माने जाते हैं। कर्ण के कवच और कुंडल स्वयं अमृत से निर्मित थे। कुंडल उन्हें स्फूर्ति और शक्ति प्रदान करता था और कवच दिव्य अस्त्र से उनकी सुरक्षा करता था। कहते हैं महाभारत युद्ध के दौरान उनके कवच और कुंडल को छल से इंद्र ने अपने पास ले लिया था, जिसकी वजह से युद्ध के अंत में स्वयं कर्ण का वध संभव हो पाया। लेकिन कहते हैं कि कर्ण का कवच और कुंडल जब इंद्र स्वर्ग लोग लेके जा रहे थे तब देवताओं द्वारा उन्हें रोक दिया गया, क्योंकि छल से प्राप्त की गई कोई भी वस्तु स्वर्ग लोक में नहीं लेके जा सकते, जिस कारण इंद्रदेव को कर्ण के कवच और कुंडल धरती पर कहीं छुपाने पड़े। बहुत से लोग कहते हैं कि ओम नामक पर्वत पर ही कर्ण के कवच और कुंडल को छुपाया गया है। इस विषय में आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। 3rd नंबर पर मौजूद है दिव्य वस्तु गांडीव धनुष और तरकश। कहते हैं ऋषि दधीचि ने देश हित के लिए अपनी हड्डियों का दान किया और उन्हीं हड्डियों से 3 धनुष बने, गांडीव, पिनाक और सारंग। पिनाक धनुष स्वयं भगवान शिव का धनुष था, वहीं सारंग स्वयं भगवान विष्णु का धनुष था, जिसके बाद सारंग धनुष को भगवान श्री कृष्ण ने इस्तेमाल किया था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला है गांडीव धनुष और तरकश। कहते हैं कि गांडीव धनुष अलौकिक था। यह धनुष वरुण देव के पास था, वरुण ने इसे अग्निदेव को दिया और अग्निदेव से अर्जुन को यह प्राप्त हुआ। यह धनुष देव, दानव और गंधर्वों से अत्यंत वर्षों तक पूजित रहा था। कहते हैं यह धनुष किसी भी शस्त्र दिव्यास्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था, जो भी इसे धारण करता था उसमें शक्ति का संचार होने लगता था। वहीं अक्षय तरकश जो अर्जुन के पास मौजूद था, कहते हैं अर्जुन के अक्षय तरकश के बाण कभी भी समाप्त नहीं होते थे और इसकी वजह से ही अर्जुन एक महान धनुषधारी भी बने थे। लेकिन स्वर्ग रोहण के दौरान धीरे धीरे करके सभी पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र त्यागे थे। अग्निदेव के कहने पर अर्जुन ने स्वयं एक तालाब में अपना गांडीव धनुष और साथ ही साथ अक्षय तरकश को भी डाल दिया था। कहते हैं इसके बाद अग्निदेव ने स्वयं गांडीव धनुष को और अक्षय तरकश को कहीं धरती पर छिपा दिया था। लोगों का मानना है कि उत्तराखंड ही वो जगह है जहां पर गांडीव धनुष और अक्षय तरकश कहीं छुपे हुए हैं। अब बात करते हैं 2rd नंबर पर मौजूद 3 ऐसी चमत्कारी मणियों के बारे में जिन्हें धरती पर छुपाया गया है। उनमें से एक है पारस मणि, जिसका जिक्र पौराणिक और लोक कथाओं में खूब किया गया है। इसके हजारों किस्से और कहानियां समाज में आज भी प्रचलित है। दरअसल पारस मणि की खासियत है
कि पारस मणि से लोहे की किसी भी चीज को छुआ देने पर वो सोने की बन जाती थी। साथ ही साथ इससे लोहा भी काटा जा सकता था। कई लोग तो दावा भी करते हैं कि उन्होंने पारस मणि को देखा है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में जहाँ पर हीरे की खदान है, वहाँ से 70 किलोमीटर दूर दनवारा गांव में एक कुएं में रात में रोशनी दिखाई देती है और लोगों का मानना है कि उस कुएं के अंदर ही पारस मणि मौजूद है। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हिमालय में ही कहीं पर पारस मणि को छुपाया गया है। तो कई सारे लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश के उस खास धनवरा गांव में ही उस कुएं में पारस मणि को छुपाया गया है। दूसरी मणि है अश्वत्थामा की मणि। कहते हैं अश्वत्थामा की सारी शक्तियाँ उसी मणि में समाहित थी। वहीं स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की उस मणि को अश्वत्थामा से छीन लिया था और उन्हें पृथ्वी लोक पर आजीवन भटकने का श्राप दिया था। अब बात करते हैं तीसरी मणि की, जिसका नाम है समयंतक मणि। कुछ लोग कोहिनूर को ही समयंतक मणि कहते हैं, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। कहते हैं ये मणि इंद्रदेव के पास थी और वो इसे धारण करते थे। इंद्रदेव ने ये मणि सूर्यदेव को दी थी और इसके बहुत काल बाद ये मणि राजा सत्राजीत के पास गई और सत्राजीत ने ये मणि अपने देवघर में रखी थी। वहीं सत्राजीत के भाई प्रसेनजीत आखेट के लिए जब जंगल में गए तो इस मणि को पहनकर गए। वहां पर जंगल में शेर ने उन्हें मार गिराया। शेर के पास उस मणि को देखकर जामवंत जी ने शेर को मारकर उस मणि को ले लिया, जिसके बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी का आपस में मुकाबला हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण ने वो मणि जामवंत जी से जीत ली और उसके बाद वो मणि वापस सत्राजीत को लौटा दी। कहते हैं कि इसके बाद समयंतक मणि कहां गई किसी को कुछ भी नहीं पता है। वहीं लोगों का दावा है कि जगन्नाथ मंदिर में आज भी वो मणि कहीं पर छुपा कर रखी गई है। तो यही थी वो तीन खास मणियां जिन्हें देवताओं ने धरती पर ही छिपाया है। अब बात करते हैं पहले नंबर पर मौजूद दिव्य वस्तु की, जो स्वयं हिमालय की पहाड़ियों पर आज भी मौजूद है और ये कुछ और नहीं बल्कि संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी ऐसी जड़ी थी जिसको खाने से गंभीर बीमारियां भी दूर हो जाती थी। जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने वाला हो वो भी इसे खाकर एकदम फिट हो जाता था। रामायण में भी ऐसा ही हुआ था, संजीवनी बूटी खाकर स्वयं लक्ष्मण जी एकदम स्वस्थ हो गए थे। कई सारे वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि संजीवनी बूटी को खाकर एक अलग ही प्रकार की शक्ति महसूस होती है। कई साधु संतों का दावा है कि इसका सेवन करने से दूध भविष्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वहीं आयुर्वेद और अर्थवेद में उल्लेख है कि इस औषधि का सेवन करने से व्यक्ति 500 वर्षों तक निरोगी रहकर जिंदा रह सकता है। माना जाता है कि जड़ी बूटियों के बल पर सभी तरह के दुख दर्द दूर किए जा सकते हैं, वहीं धनवान भी बना जा सकता है। इंटरनेट और कई सारे आर्टिकल में आपको ये पढ़ने और सुनने को मिल जाएगा कि संजीवनी बूटी हिमालय की किसी पहाड़ी पर आज भी मौजूद है। बस फर्क इतना है कि लोगों को उसका हुलिया, उसका रंग रूप नहीं पता, वरना आजकल दवाई बनाने वाली कंपनियां उस संजीवनी बूटी को नहीं छोड़ती। तो यही थी वो पांच दिव्य वस्तुएं जिन्हें स्वयं देवताओं ने धरती पर छुपाया था। और अगर इनमें से कोई भी वस्तु आपको प्राप्त हो गई तो शायद आप भी निरोगी, शक्तिशाली और धनवान बन सकते हैं। आपका इस विषय पे क्या मानना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, अपना नॉलेज टीवी। थैंक यू।